टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। अब धीरे धीरे आम जनता एकजुट होने लगी है। टोरेंट पावर पे कोहराम मचाने लगे हैं, नेता आंदोलन की चेतावनी दे देकर अब शांत होने लगे हैं और आम जनता घरों से बाहर निकल के विरोध करने लगी है, क्योंकि अब तक कुछ ऐसा ही हुआ है। नेता आंदोलन भूख हड़ताल की धमकी देते हैं और करते भी हैं, लेकिन इनकी आवाज़ मुमरा शहर में कहीं ना कहीं अब दब जाती है। और मैं वो खबर भी आपको दिखाऊंगा, उनकी आवाज़ जब ये टोरेंट पावर नहीं आई थी उसके पहले मुमरा शहर के नेता किस तरह से एक दूसरे पर टोकरा फोड़ते थे और किस तरह से बयानबाजी करते थे, वो खबर हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से संजय नगर में आम जनता, जिनमें महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, विरोध कर रही हैं, आए दिन संजय नगर में व अन्य जगहों पर टोरेंट पावर के कर्मचारियों को महिलाएं भगा रही हैं। और आज भी कुछ इस तरह की घटना सामने आई, जब टोरेंट पावर के कर्मचारी शंकर मंदिर के पास मीटर लगाने के लिए गए, जहां विरोध किया और उन्हें वापस भेज दिया। ये तस्वीर भी देखिए, ये महिलाएं हैं जो दीवा से चलकर मुमरा के संजय नगर में बिलों के साथ पहुंचे अपना समर्थन देने। सबके हाथ में टोरेंट पावर का बिल है, इनकी भी मांग है टोरेंट हटाओ, मुमरा कौसा दीवा सिल बचाओ। दरअसल जिस तरह से संजय नगर में पिछले कुछ दिनों से टोरेंट पावर का विरोध किया जा रहा है, इससे यह साफ हो गया है कि अब महिलाएं जो आम जनता हैं वो धीरे धीरे एकजुट होकर इसका विरोध करेंगी, कर रही हैं। ये भी तस्वीर देखिए, ये बैनर पिछले कई दिनों से टंगा है और अब टोरेंट पावर का संजय नगर में विरोध प्रदर्शन का मंच बनता जा रहा है। दीवा से संजय नगर आए महिलाओं का क्या कहना है, पहले सुनिए। कहाँ से आप आए हैं? दीवा से। दीवा से क्या मामला है आपका? मेरे का 2 महीने का मतलब बिल नहीं भरा, फिर भी मेरे को 35,000 रुपये आया है और मेरे को ये सब टूर्नामेंट का मतलब मीटर ही नहीं चाहिए। मतलब जो है कितना महीना आपने यूज़ किया है? 2 महीने, मतलब 2 महीने लॉकडाउन में तो हम लोग गाँव में गए थे, उसके बाद में आने के बाद मीटर बंद था, फिर भी हम लोगों को 35 रुपीज़ आया है। अच्छा, मतलब आप यूज़ क्या करते हैं? सिर्फ फैन और लाइट। सिर्फ फैन और ये लाइट जो है आप यूज करते हैं, आपको 35,000 बिल आया। हाँ जी। टोरेंट पावर के कार्यालय में जाने के बजाय आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सबसे पहले बिल भरो। वो लोग बोलते हैं बिल भरो तभी हमारा मतलब लगेगा, नहीं तो लाइट कट देंगे। तो यहाँ संजय नगर में आप लोग आए हैं जो है चल कर, वहाँ से किस मकसद से आप लोग यहाँ आए हैं? हमारा मतलब है टोरेंट वाला नहीं मांगता है, क्योंकि वो लोग बिल ज़्यादा ही भेजते हैं। यहाँ पे मालूम पड़ा विरोध हो रहा था, इसके लिए हम लोग शामिल होने आए हैं। मतलब जिस तरह से यहाँ मुहिम चल रही है, हाँ। उस मुहिम में आप भी शामिल होना चाहते हैं। और क्या मांग है आप? मांग ये है कि बिल कम होना चाहिए, जो इतना बिल आता है तो नहीं हमको इतना भर सकते हम लोग। 7-8 जन आए हैं, आपको पता चला कि ये इसके बारे में विरोध कर रहे, इसलिए हम इसमें शामिल होने आए हैं। मेरा 35,000 बिल आया है। कितने महीने का है बिल? मेरा तो 6 महीने का है। 6 महीने का बिल। आप यूज़ क्या करते? टीवी, फैन और लाइट। अच्छा, तो इसके पहले 6 महीने पहले जो है आप कितने मतलब आपको बिल आते थे? हमको 400-500 ऐसे ही बिल आता। इधर के लोग टोरेंट के खिलाफ है, हमारे हमको भी इनके साथ शामिल होने का है। अच्छा, इसमें शामिल होने का है। हाँ। मतलब ये जो मुहिम चला रहे हैं उसमें आप भी शामिल रहेंगे? शामिल होना चाहते। लेकिन आपकी जो है क्या तकलीफें आ रही है? पहले जो MSP का बिल आता था बहुत कम आते थे, अभी जब से टोरेंट आया है सब बिल बढ़ा चढ़ा के आया है। अब वो लोग को मिलने जाए तो वो बोलते पहले पैसा भरो, बाद में तुम्हारा मीटर चेंज हो जाएगा, इसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। ये जब से टोरेंट आया है तब से हम लोग को तकलीफ है। लॉकडाउन में हम लोग काम धंधे पे नहीं है, घर पे बैठे है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, और बिल भरो करके पीछे लगे। आपके घर की कितने बिल आई है? अभी हमारा 26,000 रुपये आया है। कितने महीने का है ये? 3 महीने का है। 3 महीने में 26,000? हाँ, इसके पहले भी एक आया तो वो आधा चुका है हमको, वो बोले आधा भरो फिर बाद में बात करेंगे, वो भी जोड़ के सब भेज दिए। आप वहाँ पे गए थे टोरेंट पावर के? हाँ गए थे, 4-5 बार गए थे, उनके आदमी लोग को बोला, हाँ। वो कोई लिखा पढ़ी देने के लिए तैयार नहीं, खाली मुँह से बोलते छोड़ देते। तो आपने सुना महिलाओं की बयान, अब हम आपको सुनाते हैं राजनेताओं की बयान, जो टोरेंट आने से पहले शहर को क्या जुमला दिया था। टेकर आने वाला,
आप तो ये बोल रहे हो ट्रांटो के ऊपर साइन करे इन्होंने, रोक दिया गया है कि भाई नवंबर तक रोक दो, और दिसंबर में ट्रांटो नहीं आया तो मेरे से बंगला मेरा लेके चले, ट्रांटो नहीं आया तो बंगला दे के जाऊंगा आपको, ये लिख लेना तुम। अब नईम खान जी कह रहे हैं ना, मैं नईम खान जी से कहना चाहता हूँ आप बंगला मत छोड़िए, आपको बंगला छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये अगर आप मुझे जो भी समझते हैं आपकी निगाह में, मैं ही नहीं मतलब हम सब मिलकर के टोरेंट को हमारे शहर में एंट्री नहीं देंगे। डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने ऊर्जा मंत्री जी से बात कर लिया है, इंशाल्लाह ताला ये टोरेंट नहीं आएगी, ये सिर्फ आमदार साहब को बदनाम करने का, उनके ऊपर एक कीचड़ डालने का, अगर नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी टोरेंटो तो किसके नाम से एग्रीमेंट बनना चाहिए उस बंगले का? क्या बोले आप? उस बंगले का किसके नाम से एग्रीमेंट बनना चाहिए? आप कह रहे हैं नहीं आएगी, नईम खान कह रहे हैं अगर नहीं आएगी तो मैं जो है बंगला छोड़ दूंगा। एग्रीमेंट किसके नाम से बनेगा? आपके नाम से? किसके नाम से बनेगा? मेरे नाम पे, आमदार साहब के नाम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ गरीब आदमी हो उसके नाम पे बनना चाहिए। गया तो लाइट पे साइन किसने किया है? और उन्हीं की वीडियो किसने किया है आप बताएं? यहाँ के ही लोगों ने किया है, यहाँ के ही आमदार ने किया है। अगर आप मुझे आमदार बनाओगे तो मेरे बिना साइन के कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना, मेरे साइन से ही होगा ना, मेरा लेटर ही नो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। टोरंटो पे बात करने वाले मेरे को मालूम है, टोरंटो भी गया 50 नगर सेवक राष्ट्रवादी के भी विरोध करेंगे तो कुछ नहीं, 50 एमएलए भी विरोध करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है हम आंदोलन कर देंगे, 20-50 बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, उनके घर परेशान हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। आपने सुना, ये उस वक्त की बयानबाजी है जिस वक्त मुमरा कलवा में टोरेंट पावर नहीं आया था, शहर के नेता काफी जज्बात में बहुत कुछ बोल गए थे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।